नमस्कार दोस्तों, द एग्जाम हैकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग थ्योरी ऑफ रीजनल इम्बैलेंस हम लोग स्टडी कर रहे हैं, या रीजनल डेवलपमेंट की थ्योरीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं। जो थ्योरीज हैं वो एक्सप्लेन करते हैं कि रीजनल इम्बैलेंस क्यों होती है और कहाँ होती है, और रीजनल डेवलपमेंट कहाँ पे होती है, कहाँ पे अच्छी होती है, कहाँ पे नहीं होती है। ठीक है, तो दो थ्योरीज हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर लिए हैं, सुपरफिशियल थ्योरी और दूसरा जो है इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सपोर्ट बेस एंड रीजनल मल्टीप्लायर मॉडल, जो एक्सप्लेन करेगी कि रीजनल इम्बैलेंस क्यों होती है या रीजनल डेवलपमेंट कहाँ पर अच्छी होती है। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो है एक्सपोर्ट बेस थ्योरी, ये क्या बोलती है कि वो रीजन जहाँ पर एक्सपोर्ट करने की कैपेबिलिटी होती है, ठीक है, रीजन विच इज ए कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग गुड्स एंड सर्विस, और वो क्या होती है, वो रीजन प्रॉस्परस रीजन होती है। जैसे केरला का एग्जांपल लेते हैं, मेडिवल टाइम में आप देखोगे केरला स्पाइस का एक्सपोर्ट करता था, इसलिए केरला में मेडिवल टाइम में भी क्या डेवलपमेंट अच्छी थी या डेवलप्ड रीजन था। और अभी भी प्रेजेंट टाइम में भी देखें तो केरला क्या डेवलप्ड है, क्योंकि वहाँ पे सर्विस का एक्सपोर्ट होता है, स्पाइस की एक्सपोर्ट के अलावा सर्विस का एक्सपोर्ट होता है, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल वहाँ पे अच्छी है, वहाँ पे ब्रेन अच्छी है, नर्सेस जो हैं वहाँ पे, जो वेस्ट एशिया में जाते हैं या जो वहाँ पे वर्कर्स हैं वेस्ट एशिया में जाते हैं स्किल्ड वर्कर, तो वहाँ से क्या है सर्विस का एक्सपोर्ट हो रहा है, तो वो भी क्या है डेवलप्ड रीजन है। ठीक है, तो यही एक्सपोर्ट बेस बोलता है। और दूसरा क्या है, जैसे सिंगापुर का एग्जाम्पल है, सिंगापुर क्या है कि एक पाइवोट लोकेशन पे है, वहाँ पे पोर्ट्स, ऐसा लोकेशन पे है सिंगापुर जहाँ पे पोर्ट्स का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वहाँ पे ज़्यादा होते हैं, इसलिए वहाँ पे क्या है सिंगापुर डेवलप्ड रीजन है। फिर देखो कोस्टल स्टेट ऑफ इंडिया, आप देखोगे डेवलप्ड हैं इस कम्पेयर टू लैंड लॉक स्टेट, क्योंकि कोस्टल स्टेट जो हैं वहाँ पर पोर्ट की व्यवस्था है और एक्सपोर्ट करने में ज़्यादा उसको फायदे होते हैं, तो कोस्टल एरिया वाले जो स्टेट हैं इंडिया में वो ज़्यादा प्रॉस्परस आपको देखने मिलेंगे एज कम्पेयर टू लैंड लॉक, यही एक्सपोर्ट बेस वाला मॉडल बोलता है। फिर देखो यदि दुनिया में भी बात करोगे तो लैंड लॉक जो कंट्रीज हैं वो अंडर डेवलप्ड आपको देखने को मिलेगी, और जो कोस्टल एरिया वाले जो स्टेट हैं जो कंट्रीज हैं वो क्या है एक्सपोर्ट करने में उनको क्या बेनिफिट होता है, एक्सपोर्ट में उनकी इम्पोर्टेंस होती है, इसलिए वहाँ पर डेवलप्ड आपको देखने को मिलेंगे। जैसे मान लो यूके, यूनाइटेड किंगडम, आप देखो मेडिवल टाइम में सुपर पावर इसलिए बना था क्योंकि वहाँ के जो कोस्टल रीजन था या वो नेवल का उनके पास, आप बोल सकते हो कि नेवल की जो आर्मी थी वो अच्छी थी, और उसके बेसिस पे उन्होंने नए नए जो डेस्टिनेशन थे उसको सर्च किए और वहाँ पे एक्सपोर्ट किए स्टार्टिंग में या इम्पोर्ट किए, ठीक है, बिजनेस किए। तो एक्सपोर्ट बेस्ड मॉडल यही बोलता है, जहाँ पर जिस रीजन में प्रोड्यूसिंग होती है ज़्यादा होती है, एक्सपोर्टिंग गुड्स एंड सर्विस होती है, यहाँ पर बिजनेस अच्छी होती है, पोर्ट की व्यवस्था होती है, वो डेवलप्ड रीजन होता है, ऐसा एक्सपोर्ट बेस्ड मॉडल बोलता है। फिर इसी में दूसरा जो है रीजनल मल्टीप्लायर थीरीज, ये क्या बोलती है कि रीजनल मल्टीप्लायर थीरी बोलती है ग्रोथ मल्टीप्लाई ग्रोथ, यानी जहाँ पर ग्रोथ हो रही है वहाँ पर और ग्रोथ होगी, जहाँ पर ग्रोथ नहीं हो रही है वहाँ पर और कम ग्रोथ होगी, तो क्या होगी ग्रोथ वाले रीजन और डेवलप्ड होंगे और जो अंडर डेवलप्ड रीजन है वो अंडर डेवलप्ड रहेंगे, ठीक है, ऐसा रीजनल मल्टीप्लायर थ्योरीज बोलता है। जैसे मान लो स्टील प्लांट, तो स्टील प्लांट यदि आपको बैठाना है तो आपको क्या जानेगी मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, यानी मशीन क्या है स्टील से बने होते हैं, तो स्टील प्लांट बैठाने के लिए स्टील की ज़रूरत पड़ती है, और स्टील बनाने के लिए जैसे स्टील बनाने के लिए स्टील की ज़रूरत पड़ती है और मशीन बनाने के लिए स्टील की ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पर देखो साइक्लिक एक मिल रहा है, ठीक है, स्टील प्लांट बनाने के लिए स्टील की जरूरत पड़ेगी और स्टील प्लांट जब बनेंगे तो और स्टील बनेंगी, ठीक है, तो मशीन बनेंगी, तो मशीन कब बनेंगे जब स्टील प्लांट होंगे, और स्टील प्लांट कब जब बनेंगे जब मशीनरी, स्टील प्लांट कब बनेंगे जब स्टील होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखेंगे ग्रोथ एक साइक्लिक देखने को मिलेगा, यानी ग्रोथ ग्रोथ को मल्टीप्लाई कर रहा है। जैसे मान लो कि किसी भी रीजन में FDI आने के लिए या वहाँ पर डेवलपमेंट होने के लिए बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है, ठीक है, तो बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे जैसे रोड रेलवे की कनेक्टिविटी अच्छी होंगी, तो वहाँ पे FDI या इकोनॉमिक ग्रोथ आएंगे, और यदि FDI या इकोनॉमिक ग्रोथ आएंगे तभी बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होंगे, टैक्स ज़्यादा नहीं मिलेंगे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट कैसे खर्च करेगी, तो रीजनल मल्टीप्लाई मॉडल वही बोलती है कि ग्रोथ मल्टीप्लाई ग्रोथ। जैसे हम दो एग्जाम्पल लिए स्टील प्लांट का और बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे तभी वहाँ पर डेवलपमेंट होगा
और यदि डेवलपमेंट होगा तभी बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, ठीक है, यही ग्रोथ मल्टीप्लायर थ्योरी बोलता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग तीसरा जो थ्योरीज था वो डिस्कस किए, एक्सपोर्ट बेस और रीजनल मल्टीप्लाई मॉडल। अगले वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, अगले वीडियो में थ्योरी ऑफ क्यूमुलेटिव कॉजेशन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, थैंक यू।